राजस्थान के रेतीले धौरों में तेल, गैस और जल के असीमित भंडार के बाद अब एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि राजस्थान का शेखावटी जोन पूरे हिंदुस्तान के लिए वरदान साबित होने वाला है। इस जोन के खंडेला और नीम काथाना के गांवों में बेशकीमती खजाना यानी यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं। ये खोज भारत के करोड़ों लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर देगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा भंडार नहीं मिला है, बल्कि इलाके में शुरुआती खोज में ही 10,000 टन से ज्यादा यूरेनियम मिला है, जिससे भारत न केवल अपनी सामरिक शक्ति में इजाफा कर पाएगा, बल्कि ये देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा। यूरेनियम निकालने के लिए काम शुरू। सीकर के खंडेला में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। खुदाई के लिए करीब 22 करोड़ की लागत से सुरंग बनाई जा रही है। राजस्थान में यूरेनियम का ये पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले झारखंड और तेलंगाना में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ रॉयल गांव में करीब 23 हेक्टेयर जमीन से यूरेनियम की खुदाई में करीब 20 साल का समय लगेगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खुदाई के लिए DPR बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 6,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली है। 400 फीट नीचे से होगी खुदाई। सीकर के रायल और सुहागपुरा गांव में 400 फीट नीचे से खुदाई की जाएगी। UCIL के माइंस मैनेजर हेमंत कुमार मंडा के मुताबिक यूरेनियम की खुदाई के लिए खास तरह की टनल बनानी पड़ती है। इस सुरंग को नई टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार करवाया जा रहा है। ये टनल 1 किलोमीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी होगी, जिसे बनाने में 20 महीने का वक्त लगेगा। टनल बनाने में करीब 22 करोड़ की लागत आएगी। सालों के इंतजार के बाद खुदाई शुरू। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद यूरेनियम की खोज शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले सीकर जिले के रायल गांव में यूरेनियम के निशान मिले थे। इसके बाद 1999 में यहां ड्रिक की प्रोसेस शुरू की गई और 2005 तक यूरेनियम भंडार की पुष्टि भी हो गई, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसे मोदी सरकार में फिर से अंजाम दिया गया है। इस क्षेत्र में यूरेनियम की पुष्टि के लिए हवाई सर्वे किया गया है। इसे बेसिक मैग्नेटिक सर्वे कहते हैं। UCIL ने राजस्थान के करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये सर्वे किया है। शेखावटी में 3 और स्थानों पर यूरेनियम होने की संभावना है। इसके लिए विभाग की टीम ड्रिल की कवायद शुरू करेगी। इसमें उदयपुर वाटी क्षेत्र का जहाज मावता और नीम काथाना के डेहरा जोहड़ी गुहाला और नरसिंहपुरी शामिल हैं। राजस्थान में मिले इस यूरेनियम की क्वालिटी झारखंड के यूरेनियम के समान है। यहां चट्टानों के बीच में धार के रूप में यूरेनियम होने की पुष्टि हुई है। यूरेनियम खनन शुरू होने पर से 3,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। यहां से निकलने वाला यूरेनियम नेशनल फ्यूल कॉरपोरेशन में भेजा जाएगा। इसके बाद से समन्वय समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न कार्यों में उपयोग लिया जा सकेगा। दुनिया में कहां कहां है यूरेनियम के भंडार। भारत में 2.5 लाख टन से अधिक यूरेनियम के भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम है। इसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के भंडार हैं। भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात करता है। ये देश इस शर्त पर यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं कि भारत यूरेनियम ओर का विघटन करके सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और शेष धातु बिना छेड़छाड़ निर्यातक राष्ट्रों को लौटा देगा। देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन है। इसमें से 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा है। राजस्थान और मेघालय में 10,000 टन यूरेनियम की खोज हुई है। 5,000 टन देश के दूसरे हिस्सों में भी बताया जा रहा है, जिनमें आने वाले 40 साल तक की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। देश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। राजस्थान के सीकर में और मेघालय के डोमिया सियर्ट में 10,000 टन यूरेनियम का भंडार है। हालांकि भारत के यूरेनियम की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है,
क्योंकि यहाँ प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.05 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जबकि दुनिया के दूसरे यूरेनियम निर्यातक देशों में प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.1 ग्राम यूरेनियम से ज्यादा ही निकलता है। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में, राजस्थान के सीकर में, मेघालय के डोमिया सियर्ट में और देश के अन्य हिस्सों में भी संरक्षित यूरेनियम भी इसी क्षमता का है। यूरेनियम की नई खोज से क्या पड़ेगा फर्क? आने वाले सालों में भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यहां सन 2030 तक 60,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 700 मेगावाट वाले एक परमाणु रिएक्टर के लिए साल में 100 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से भारत अपने मौजूदा यूरेनियम भंडार के बल पर अभी चालू परमाणु बिजली घरों में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकता है। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारें भारत पर न तो किसी तरह का राजनैतिक दबाव डाल सकेंगी और न ही यूरेनियम की मुंह मांगी कीमत मांग सकेंगी। भारत में मिले इस नए यूरेनियम भंडार का यूरेनियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए 5-6 लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इतनी बिजली सौर या पवन ऊर्जा से पैदा नहीं की जा सकती और न ही भारत में इतना कोयला है कि उनसे कोयला बिजली घरों की जरूरत पूरी हो सके। तापीय बिजली घरों के लिए हमें आज भी कोयले के आयात की जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा कोयला बिजली घर पर्यावरण के नजरिए से काफी प्रदूषण फैलाने वाले हैं, इसलिए दुनिया भर में इन पर निर्भरता घटाने की कोशिश चल रही है। भारत थोरियम को क्यों नहीं कर रहा ज्यादा इस्तेमाल? यूरेनियम के मौजूदा भंडार से भारत अपनी परमाणु बिजली की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन परमाणु गुणों वाले दूसरे खनिज थोरियम भारत में इतनी बहुतायत में मिलता है कि वह सैकड़ों साल तक भारत की बिजली संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकता है। परंतु थोरियम विखंडनीय परमाणु खनिज नहीं है, इसलिए इससे बिजली पैदा करने के लिए हमें पहले इसे विखंडनीय यूरेनियम से मिलाना पड़ता है। थोरियम से बिजली पैदा करने के लिए फिलहाल भारत ने 3 चरणों वाला परमाणु बिजली कार्यक्रम बनाया है, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। इन बिजली घरों से निकले प्लूटोनियम को दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे निकले प्लूटोनियम अवशिष्ट को थोरियम के साथ मिलाकर तीसरे चरण वाले थोरियम आधारित परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इन्हें यूरेनियम 233 में बदलकर इनसे पुनः बिजली पैदा किया जा सके। प्रायोगिक स्तर पर इसमें सफलता मिल चुकी है। चेन्नई के निकट कल्पक्कम में एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कामिनी नाम के ऐसे ही रिएक्टर से थोरियम को U-233 में बदलकर बिजली पैदा की जा रही है।